हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। नाउ अटेंडेंस शीट आप दफ्तर में, दुकान में, स्कूल में, जिस भी चीज़ में आप काम करते हैं वहाँ पे अटेंडेंस शीट चांसेस हैं कि लगती ही लगती होगी। अगर आपके अलावा कोई और काम कर रहा है तो आपको उसकी अटेंडेंस मैनेज करनी होगी। तो वो अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। बड़ा ही आसान है, और अगर आपको नहीं बनानी है तो आप इस शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे वेबसाइट mylesson.org से। वहाँ पे ये शीट अवेलेबल है, तो आपको बिना बनाए सीखे ही बस इसमें एंट्री करते जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा मेरा वेबसाइट, ये लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये रही फाइल। आप यहाँ पर जाएँ और इस पेज पर जाकर डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल पर क्लिक करें और आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे हजारों वीडियोस हैं हमारे जो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और भी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए अटेंडेंस में क्या चीज होती है। अटेंडेंस में सबसे पहले तो आपको लोगों का नाम लिखने होंगे, बड़ी जरूरी बात है, जैसे हमने यहां पे लिखे। उसके बाद आपको दिन लिखने होंगे, महीने में दिन कितने हैं, तो वो हमने ऊपर लिख लिए। उसके बआद क्या करेंगे आप करेंगे कि लोग क्या क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पे। एबसेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, लीव पे हो सकते हैं, या संडे हो सकता है। चार ही चीजें हैं आपकी। आप पांचवी चीज अगर डालना चाहे, हाफ डे वगैरह मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं, वो भी है। मैंने इसमें एबसेंट, प्रेजेंट, लीव और वीक ऑफ यानी संडे, ये मैंने मैनेज करके दिखाया। तो आप किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस ऐसे लिखते जाइए, जैसे एबसेंट के लिए ए, लीव के लिए एल, प्रेजेंट के लिए पी और वीक ऑफ के लिए डब्ल्यू ओ लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे आप सबकी एंट्री कर दीजिए। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट तो बन गया आपका। लोगों के नाम, दिन ऊपर आ गए और उनका ट्रैकर यहां पे बन गया कि भैया एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे, एक सेकेंड लगना एंट्री डालने में। अब इसमें मैंने एक चीज करी कि ये आपको कैलकुलेशन भी बता देगा कि बंदा कितने दिन प्रेजेंट था, वो यहां पे दिखा देगा। देखिए आपको इधर कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन की लीव थी, कितने वीक ऑफ थे, अटेंडेंस का परसेंटेज क्या था कि बंदे का वीक ऑफ और प्रेजेंट मिला के कितना परसेंट आ रहा है बंदा। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू, बहुत आसान है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ फॉर्मूला कहता है कि तब गिनती करना जब मेरी कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है ना। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज कह रहा है, क्या था, क्या रेंज है, हमारी रेंज है ये एरिया जहां पे 1 से लेके 31 तारीख है। मैंने कॉमा दबाया, अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो क्राइटेरिया है मेरा प्रेजेंट, मैं पहले प्रेजेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो प्रेजेंट के लिए मैंने क्या लिखा है, पी, तो मैं कोट्स का निशान लगाऊंगा, पी लिखूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो ये देखिए 7 दिन की प्रेजेंट आ गई यहां पे, इसकी 4 दिन की प्रेजेंट आ गई यहाँ पे, 12 दिन की। मान लीजिए हम ये यहाँ पे एब्सेंट दिख रहा है 31 तारीख को, मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, देखिए 13 हो गया। यहाँ पे लीव दिख रही है, इसको भी प्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लीव दिख रही है इसकी भी। जैसे जैसे मैं प्रेजेंट बढ़ाता जाऊँगा, देखिए ये 16 हो गया यहाँ पे। इसी तरह से हमने एब्सेंट को काउंट करना है। एब्सेंट कैसे करेंगे आप, काउंटिव फॉर्मूला ही लगाएंगे। बस एब्सेंट को हम कैसे काउंट कर रहे हैं, ए से, तो हम वहाँ पे ए टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। बहुत आसान है ये पूरी रेंज चुन ली मैंने, देखिए ऐसे कॉमा दबाया, कोट्स का निशान, ए टाइप करा, कोट्स का निशान, ब्रैकेट क्लोज करा, अब इसको कॉपी कर दूंगा। तो ये देखिए ये बंदा तो भाई जितने भी है 13 दिन एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा छुट्टियां इसकी, तो कौन है ये, अर्जुन मेहता जी भाई, टाइम पे आया करें आप भाई, टाइम पे आया क्या करें, आया ही करें पहले तो। सो ऐसे ही लीव, लीव कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं सेम काउंट इफ। एक और तरीके से काउंट इफ लगाना सिखाता हूँ आपको। तो आप जाएं फॉर्मूलाज में और यहाँ पे क्लिक कर दें और इधर इंसर्ट फंक्शन में जाके काउंट इफ टाइप कर दीजिए, काउंट इफ लिखा हुआ है, इसको ओके कर दीजिए। ये सबसे पहले पूछेगा रेंज बताओ भाई आपके, हम कह रहे ये रही हमारी रेंज। रेंज कौन सी चीज़ है, जहाँ पे हमारी अटेंडेंस डली हुई है, 1 से लेकर 31 तारीख वाला एरिया। बस नीचे आ जाइए, क्राइटेरिया क्या है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लीव, तो हम L टाइप कर देंगे यहाँ पे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए लीव्स आ गई, इसको कॉपी कर दीजिए। 10-10 लीव ले रहे हैं ये लोग भाई। अब जहाँ पे इसकी लीव्स को चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे मेरे को लीव दिख रही है,
19-20 तारीख की मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, तो देखिए 10 के बदले 8 हो गया, है ना ऑटोमेटिक। ऐसे ही वीक ऑफ को आपने कैलकुलेट करना है, सिंपल, इज इक्वल टू काउंट इफ, तब काउंट कीजिएगा जब इस रेंज में जहाँ पे हमने हमारे इस बंदे की अटेंडेंस डाली हुई है उस रेंज में डब्ल्यू ओ लिखा हो, तो डब्ल्यू ओ कोर्ट्स में लिखा हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो बता रहे हैं सबके 4 वीक ऑफ है, बराबर है। तो ये आपके अटेंडेंस ट्रैकर बन गया, देखिए ऐसे हर महीने का बना सकते हैं आप। ये मान लीजिए इसका नाम जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे आराम से बनाते जाएं आप, बस इसको कॉपी कीजिए यहां से, ऐसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी दबाइए, यहां पे जाइए, कंट्रोल वी दबाइए, ये हो गया। एक और तरीका है, आप जहां पे शीट टू लिखा है ना यहां पे राइट क्लिक कीजिए, यहां पे ऑप्शन आता है मूव एंड कॉपी, यहां पे क्रिएट अ कॉपी कर दीजिए, ये देखिए ये बन गया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, एक एक सेकंड में बन गया, है ना आसान। तो इस तरह से हम बनाते हैं अटेंडेंस शीट एक्सेल में। आपको नहीं बनानी है, जैसे मैंने बताया, मेरे वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें और आराम से वहां से इस शीट को आप यूज करें। ये देखिए ये रहा साइट हमारा, यहां पे लिखा हुआ है कैसे बनाया है, फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस शीट यहां पर है, बस क्लिक करें और डाउनलोड कीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आया है, शेयर करना है आपको लगता है अगर किसी के काम आया, और मेरी मदद करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें, लाइक करें इसको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करें, हर मंगलवार को हमारा नया वीडियो आता है दिन में 2 बजे, आप जरूर देखें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मिलते हैं फिर अगले मंगलवार को। टिल देन दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।